पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निकाय चुनाव के मतदान में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों ने अपनी जो तैयारी है वो और भी उसको धार दे दी है। ऐसी स्थिति में पूरे नगर निगम के जो पार्षद जो पहुंचने वाले हैं उससे पहले ही निकाय चुनाव में अपनी तेजी के साथ में जो जनसंपर्क कर रहे हैं उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं वार्ड 41 में। फराह अंसारी जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की उन्होंने अब ये इन 2 दिनों में अपनी रणनीति गठित करेंगी और उन्हें क्षेत्र की जनता से किस तरह की उम्मीदें हैं। फराह जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि अब 2 दिन मात्र बचे हैं, इतने दिन लगातार प्रचार किया, कैसा रहा अब तक का प्रचार और इन 2 दिनों में क्या नया होने वाला? अब तक का प्रचार बहुत अच्छा रहा, डोर टू डोर में गई हूँ और ये 2 दिन मेरे और रह गए हैं मेहनत के लिए। मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारूंगी, पूरी डोर टू डोर जाऊंगी और जो जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है उससे ज़्यादा और उम्मीद है मुझे मिलने की। क्योंकि लगातार एक सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो मुस्लिम मतदाता है वो एक तरह का रुझान नहीं आ पाता, उसको साधने की कैसी तैयारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब की जनता बहुत जागरूक हुई है और जैसे कि हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, मैंने भारतीय जनता पार्टी में रह के अपने क्षेत्रवासी के लिए काम किया है तो सोच बहुत बदल चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतदान होगा हमारे भारतीय जनता पार्टी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 14 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं, क्या लगता है कि क्या कैसा माहौल है और जो मुस्लिम समाज है वो इस बात को मानने को तैयार है लगता है? हाँ बिल्कुल, सबके सब लोग जितने मुस्लिम हमारे भाई उतारे हैं, प्रत्याशी उतारे हैं, सब में अच्छा देखने के लिए मिल रहा है बहुत, और मुस्लिमों की बहुत ज़्यादा सोच बदल चुकी है मेरे भाइयों की और मैं चाहती हूँ मेरे भाइयों से जैसी सोच आपने बनाई है किसी के भड़काए में बहकावे में ना आए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा मतदान दे के अपने मुस्लिम भाइयों को विजय बनाएं। अच्छा, किस तरह का बदलाव करने की आपने एक विचार बनाया है, क्या ठाना है कि पार्षद बनने के बाद में किस तरह का काम किया जाए? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पे काम किया था, अब मैं एक प्रत्याशी हूँ और मैंने सोचा है और ठाना है कि मैं वार्ड में ऐसा काम कराऊंगी जो कि पार्षद के तो होते ही हैं पर एक कार्यकर्ता के होने के नाते मैं लोगों को उनकी समस्याएं हैं जो कि समस्याएं उनकी कोई हल नहीं करता, पार्षद नहीं देखता, पर मैं वो पूरे काम हल करूंगी। योजनाएं हैं और सड़कों को तो एक पार्षद का काम होता ही है पर मैं वो काम कराऊंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे वो काम कराऊंगी। सरकारी स्कूलों के लिए मैंने कहा है, उन लोगों के लिए मैं सरकारी स्कूल बच्चों के लिए जो खुले हैं जहाँ पढ़ाई नहीं होती, मेरे वार्ड में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है तो मैं सरकारी स्कूल खुलवाने की पूरी कोशिश करूँगी और अपने भाइयों से बहनों से अपील करूँगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके मुझे विजय कराएं। अच्छा, इसके अलावा अब लगातार क्षेत्र में गए हैं, उस क्षेत्र में जाने के बाद में क्या देखने को मिला, क्या नज़र आया? बहुत प्यार, बहुत 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 प्यार मुझे मिल रहा है मेरे भाइयों का बहनों का, डोर टू डोर जा रही हूँ। वैसे तो देखिए सामने कुछ और होता है पीछे कुछ और होता है पर मुझे पीछे से भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है मेरे भाइयों का मेरी बहनों का और मैं कोशिश करती रहूँगी ऐसे ही डोर टू डोर जाऊँगी। और ये बात नहीं कि मैं वोट लेने जा रही हूँ, मैं बाद में भी ऐसे ही जाऊँगी जैसे कि मैंने एक साल में रह के अपने भाई और बहनों के लिए काम किया है उससे ज़्यादा करके दिखाऊँगी। लगता है अभी जो वार्ड में अभी भी कुछ जो समस्याएँ हैं वो अभी बाकी हैं, उनमें बदलाव करने की ज़रूरत है? बदलाव तो पूरा होगा क्योंकि यहाँ का पार्षद जो थे उन्होंने कोई काम नहीं किया है, 5 साल की गंदगी कोई एकदम थोड़ी ना साफ़ हो सकती है, थोड़े थोड़े ही रुक के साफ़ होगी, पर पार्षद बन के जो मैं सफाई और व्यवस्था का काम कराऊंगी और भी योजनाओं पे काम कराऊंगी तो इंशाल्लाह आगे पूरी जीत होगी हमारी। यदि हमारे साथ में फराह अंसारी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि पार्षद बनने के बाद में सबसे पहले वो अपने इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने की उनकी जो पूरी कोशिश है उस पर ये काम करने वाली हैं और देखना होगा कि क्षेत्र की जनता 4 तारीख में जो मतदान होने वाला है उसमें कितना इन पर भरोसा जताती है और आने वाला समय किस करवट ऊँट बैठेगा ये देखने वाला समय होगा। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।